कलर्स टीवी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में इस बार मिस्टर फैजू भी अपना दम खम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए फैजल शेख ने बताया कि उनको कौन सी चीज कीप गोइंग रखती है और इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस के बारे में भी बातचीत की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मिस्टर फैजू ने अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में क्या कुछ कहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और बात करें अगर फैजल शेख की, तो फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजू खतरों के खिलाड़ी 12 पर अपना डेयरिंग साइड फैंस को दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार ने शेयर किया कि सेट पर स्टंट्स और शरारतों के बीच सारे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को टफ कॉम्पिटिशन देते हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि शो की टैगलाइन इस बार कहती है, बचकर कहां जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा, हमें कई तरह से परखने के लिए रखा जाता है और ये सच में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें बैक टू बैक बहुत सारे स्टंट्स हैं, हमें ज्यादा आराम करने का भी मौका नहीं मिलता है। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है और मैं सच में इसका काफी मजा ले रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी तो इच्छा है कि ये लंबे टाइम तक जारी रहे। शो के लिए रवाना होने से पहले फैजू ने बताया था कि वो हारने से काफी डरते हैं क्योंकि उनके फैंस को उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये पूछे जाने पर कि क्या अब भी वो ऐसा ही महसूस करते हैं, तो सोशल मीडिया स्टार ने कहा कि अब जब मैं यहाँ हूँ और स्टंट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे फैंस की एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो मुझे बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। मैं खुद को शो में अपना 100% देते हुए देख सकता हूँ। मैं अपने फैंस से कहना चाहूंगा कि वो उम्मीद बनाए रखें, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के बारे में बात करते हुए फैजल शेख ने कहा कि जब उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो तब उन्हें एहसास हुआ कि शो में सच में मेंटल फिटनेस क्या मायने रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी चीज से ज्यादा मेंटली फिट होना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्टंट पेश किया जाता है आपके दिमाग में डर अपने आप आने लगता है और फिर जब आप कंटेस्टेंट को परफॉर्म करते देखते हैं तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। इस तरह से मुझे लगता है कि एक मजबूत दिमाग होना काफी जरूरी है। साथ ही जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि इस साल कंटेस्टेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता, जिससे हमारे लिए ये और भी ज्यादा टफ हो गया है। फैजल शेख ने आगे कहा कि खतरों के खिलाड़ी 12 पर उन्हें देखना उनकी माँ का सपना था। उन्होंने बताया कि वो हर रोज अपनी माँ को कॉल करते हैं और उनके साथ क्या कुछ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, हर दिन स्टंट से पहले मैं उन्हें फोन करता हूँ और वो मेरे लिए एक स्पेशल प्रेयर करती हैं। यही उनका ट्रस्ट और आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आया हूँ और यही मुझे लाइफ में आगे ले जाएगा। लास्ट में मिस्टर फैजू अपनी परफॉर्मेंस को रेटिंग देते हुए कहते हैं कि 10/10, शायद 100। इंशाल्लाह अगर हर कोई मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देता रहा तो मैं ट्रॉफी घर ले जाऊंगा। वेल, आपको बता दें कि रोहित शेट्टी का ये शो कलर्स टीवी पर आ रहा है। फैजू के अलावा स्टंट बेस्ड इस रियलिटी शो में स्थिति झा, अनेरी बजानी, रुबीना दलैक, जन्नत जुबैर, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, तुषार कालिया, मोहित मलिक, राजीव वदातिया, चेतना पांडे, अरिका पैकार और शिवांगी जोशी है। लेकिन ऐसे में मिस्टर फैजू ने जो भी अपनी चीजें शेयर की वो काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी क्योंकि वो अपनी माँ को स्टंट करने से पहले फोन करते हैं, जो काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला एंगल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बात पर आपकी क्या राय है। इसी के साथ फिल्मी बीट को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।